नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के यूनिट सेकंड का टॉपिक प्रधानमंत्री पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आप सबने पिछले वीडियो में देखा भी था बच्चों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। और हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होगी और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में अंतर क्या होता है। बच्चों, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, देखो बच्चों, अगर प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग करता है बच्चों तो उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, जबकि प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री उप मंत्री के साथ मीटिंग करता है बच्चों तो उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। अब बात आता है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री जो वास्तविक शासन का प्रधान है, हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में जिस बात का विधान है कि वास्तविक सत्ता जो होगी बच्चों वो किसके हाथ में होगी, प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। हमारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। ये कहता है अनुच्छेद 77 कि राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे बट वास्तविक रूप से उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास होती है। बच्चों, हमारे देश की सरकार का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, अपने दल का नेता जो होता है वो भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बच्चों, तो प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है बच्चों वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो बच्चों, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मंत्री परिषद से संबंधित, संसद से संबंधित और राष्ट्रपति से संबंधित। सबसे पहले देखते हैं मंत्री परिषद। आप पिछले वीडियो में देखा था बच्चों कि मंत्री परिषद का निर्माण तीन तरह के मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर मंत्री परिषद का निर्माण होता है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। जिन मंत्रियों की सूची प्रधानमंत्री बना करके राष्ट्रपति जी के पास भेजता है, राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों को क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता है। और संवैधानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है लेकिन वास्तविक रूप से जो है मंत्रियों की नियुक्ति करने का कार्य प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। बच्चों, पहला मंत्रियों की नियुक्ति करता है, दूसरा है बच्चों की मंत्रियों को विभागों का आवंटन, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये देखने का कार्य भी कौन करता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। इसके अलावा मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता करने का कार्य भी कौन करता है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य भी प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इसके अलावा मंत्री परिषद में जो भी कार्य किए जाएंगे उस कार्य संचालन का दायित्व भी किसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो कार्य संचालन, बैठकों का कार्य संचालन करने का कार्य भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा किसी भी मंत्री को पदच्युत करना है, बर्खास्त करना है तो भी कौन करता है,
प्रधानमंत्री करता है। तो आपने देखा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, उनमें विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है, उनकी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा किसी एक मंत्री की दूसरे मंत्री से किसी बात को लेकर के विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और मंत्री परिषद के माध्यम से ही गठबंधन जो सरकार बनती है उसमें सामंजस्य बिठाने का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आप सब जानते हैं बच्चों, जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे बड़े दल को राष्ट्रपति जी के द्वारा गठबंधन सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और जब गठबंधन बनाया जाता है बच्चों, तो जो बाकी दल जो कि मंत्री परिषद में आए हैं, दल के अंदर शामिल हुए हैं, सरकार में शामिल हुए हैं, उन सब दलों में सामंजस्य बिठाने का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो गठबंधन होने पर, गठबंधन या साझा सरकार होने पर भी किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है? गठबंधन या साझा सरकार का मतलब है बच्चों मिली जुली सरकार। कौन सी सरकार? मिली जुली सरकार। और सबसे पहले भारत में मिली जुली सरकार का जो प्रारंभ हुआ बच्चों 1979 में मोरारजी देसाई, जिन्होंने अल्पमत की सरकार स्थापित की थी। उसके बाद 1980 से लेकर के आपके 2000 जो आपकी 12वीं या 13वीं लोकसभा आई वहां तक जो है गठबंधन या मिली जुली सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, देव गोड़ा, इन सब की सरकारें कैसी थी बच्चों? आपकी मनमोहन सिंह जी की सरकार, इन सब की सरकारें मिली जुली थी। और मिली जुली सरकार में प्रधानमंत्री को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, विभागों के बंटवारे में सामंजस्य बिठाना पड़ता है ताकि उनकी सरकार बनी रहे और सरकार की कार्य नीतियां भी सही तरीके से संचालित हो सके। तो गठबंधन या साझा सरकार में भी प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपने देखा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें विभागों का बंटवारा करता है, उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनमें कार्य संचालन करता है, मंत्रियों के विवादों को सुलझाता है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक और संघारक होता है। तो इस बात पर हम कहते हैं मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक और संघारक होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है बच्चों, क्योंकि किसी भी मंत्री को पदच्युत करना है तो भी प्रधानमंत्री करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी सरकार अल्पमत में आती है लोकसभा के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री को बचाए रखना है और मंत्री परिषद को बचाए रखना है तो सरकार का बहुमत में होना आवश्यक है। तो इस बात का हमेशा प्रधानमंत्री ध्यान रखता है, मंत्री परिषद में विभागों का आवंटन करते समय, लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व देते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि लोकसभा में अगर उसका बहुमत है, लोकसभा में अगर अपने दल का बहुमत सिद्ध कर पा रहा है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा और उसकी मंत्री परिषद भी तब तक अपने पद पर बनी रहेगी बच्चों। तो प्रधानमंत्री नींव का पत्थर है, मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है। मंत्री परिषद का गठन करने से लेकर उसके संघारक तक प्रधानमंत्री का अहम रोल होता है। अब बात आती है संसद से संबंधित कौन कौन से कार्य करता है। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं संसद का निम्न सदन कौन है? ना संसद का निम्न सदन है लोकसभा, जिसकी बात करता है अनुच्छेद 81 कि एक लोकसभा होगी, निम्न सदन होगा, अस्थाई सदन होगा। तो लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इसका मतलब है कि निम्न सदन का भी वो क्या होता है बच्चों? नेता होता है। और अपने दल का भी क्या होता है?
अपने दल का भी लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है, वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो अपने दल का प्रतिनिधित्व करता है, संसद में निम्न सदन का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बात आती है लोकसभा विघटन का परामर्श। आप सब जानते हैं बच्चों, अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को विघटित करने का पावर राष्ट्रपति जी के पास है। तो लोकसभा को भंग करने का पावर जो है वो लोकसभा को विघटित करने का परामर्श जो है वो भी कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। लोकसभा भंग करने का जो पावर है, जो परामर्श है, वो भी प्रधानमंत्री देता है। वैसे लोकसभा को विघटित करने का पावर राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को समय से पहले भंग करने का पावर राष्ट्रपति जी के पास है, लेकिन इसमें वास्तविक जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है बच्चों? प्रधानमंत्री निभाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श में आकर ही राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है जितने भी सरकारी विधेयक, मैंने बताया था विधेयक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जिन मंत्रियों के द्वारा संसद या लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक लाया जाता है तो पहले वो मंत्री परिषद में जाता है, मंत्रिमंडल की बैठकों में डिसाइड किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कि किसी भी मंत्री को किस प्रकार का सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करना है, किस प्रकार उसको पास करवाना है, विपक्ष उस पर कौन सा रिएक्ट कर सकता है, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ सकता है, ये सब जो है बच्चों इसके अंदर क्या होता है? डिस्कस होता है। और उन सब को डिस्कस करने में जो अहम रोल होता है वो प्रधानमंत्री जी क्या होता है? तो सभी सरकारी विधेयक जो लाए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। और प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में ये देखता है कि शून्यकाल में कौन कौन से प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रश्नकाल में कौन कौन से प्रश्न किए जा रहे हैं, कौन सा प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसका कैसा जवाब देना है, उन सब की जवाबदेही प्रधानमंत्री के ऊपर होती है बच्चों। तो लोकसभा में जो सत्रों का आयोजन होता है जिसमें प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, प्रश्नकाल जिसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और आपके जो आपके तीसरा जो प्रश्न है आधे घंटे की जो सूचना है, इस तरह के जो तीन तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मंत्रियों से विभिन्न सवाल और जवाब किए जाते हैं, उन सवालों का किस प्रकार से जवाब देना है, मंत्रियों से किस प्रकार उनको ट्रेंड करना है, इन सब में बच्चों प्रधानमंत्री का अहम रोल होता है। आप जानते हो शून्यकाल जो कि 12 से 1 बजे के बीच में होता है, उस शून्यकाल में बच्चों को विधायकों या सांसदों को से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न किया जा सकता है, किसी भी प्रश्न के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। तो उस समय प्रधानमंत्री की जवाबदेही अहम भूमिका निभाती है बच्चों। तो आपने देखा लोकसभा सत्र के दौरान भी प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है, लोकसभा में निम्न सदन का नेता भी प्रधानमंत्री ही होता है। लोकसभा और राज्यसभा में संपर्क, आप सब जानते हो लोकसभा में से ही चुना जाता है, लेकिन कई बार राज्यसभा में से भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इंद्र कुमार गुजराल है, मई देई आपका मनमोहन सिंह है, इंद्र कुमार गुजराल है, इंदिरा गांधी है, देव गोड़ा साहब है, तो कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से भी चुने गए हैं। और लोकसभा में कोई विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, लोकसभा के सत्रों का आयोजन कब होना है, राज्यसभा के सत्रों का आयोजन कैसे होना है, तो ये सारी चीजें का जो उत्तरदायित्व होता है बच्चों वास्तविक रूप से वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के मध्य संपर्क रखने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है विपक्ष के विरोध का सामना। आप सब जानते हो बच्चों एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, और भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं हमारी जो
कार्यपालिका है या कह सकते हैं प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद के जो मेंबर्स है उन सब की तानाशाही पर अंकुश लगाने का बहुत बड़ा काम करता है विपक्ष। विपक्ष कई बार ऐसी चीजों पर ध्यान सरकार का आकर्षित करता है ताकि आम जनता को फायदा मिल जाता है। कई विधेयक लाए गए मंत्रियों के द्वारा, लेकिन विपक्ष के द्वारा संसद भवन में उन पर उनके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। तो विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है बच्चों। हमारी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जो विपक्ष है उसकी अहम भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, और विपक्ष दल वो ही होता है जो जिन्होंने संसद में 51 सीटें, लोकसभा में अगर 51 विधायक जिसके हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में विपक्षी दल नहीं है जिनको एक अच्छा स्तर प्राप्त हो, क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है वो बहुमत की सरकार बनी है, और इस बार कांग्रेसी सरकार जो हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाती है, या कई बार बीजेपी भी विपक्ष की भूमिका निभाती है, तो लेकिन इस बार जो है विपक्ष की भूमिका कोई भी दल नहीं निभा रहा है। लेकिन विपक्ष की भूमिका आज भी हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली में विद्यमान है। तो विपक्षी दलों के द्वारा किस प्रकार का प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है तो वो भी विपक्षी दल के द्वारा ही लाया जाता है। तो विपक्षी दल के विरोध का सामना किस प्रकार करना है ये सब कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो देखो, संसद के निम्न सदन का नेता लोकसभा को विघटित करने में परामर्श देता है, लोकसभा को भंग करने में परामर्श देता है, सभी सरकारी विधेयक इसी के निर्देशन में आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में संपर्क सूत्र का कार्य करता है, और विपक्ष के विरोध का सामना करने में प्रधानमंत्री जी का अहम रोल माना जाता है। अब बात आती है बच्चों राष्ट्रपति से संबंधित। आप सब जानते हो बच्चों, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ कर्तव्य बताए हैं, कि प्रधानमंत्री विधि प्रशासन से संबंधित सारी सूचनाओं से राष्ट्रपति जी को अवगत करवाएगा। जितनी भी विधि व प्रशासन से संबंधित सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से मांग सकता है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि सभी विधि और प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो उन सब चीजों से या गतिविधियों से राष्ट्रपति जी को अवगत कराए। ये हमारा अनुच्छेद 78 कहता है। इसके अलावा हमारा भारतीय संविधान ये भी कहता है कि अगर मान लो किसी मंत्री ने निर्णय दे दिया और राष्ट्रपति जी को लगता है कि इसको मंत्री परिषद में प्रस्तुत किया जाना है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से उस प्रस्ताव को मंत्री परिषद के सम्मुख दोबारा रखा जा सकता है। किसी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद में प्रस्तुत करवाने का पावर राष्ट्रपति जी के पास होता है, और ऐसा करने में अहम जो रोल अदा करता है वो कौन करता है बच्चों? वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। इसके अलावा मंत्री परिषद की बात को राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति की आवाज को मंत्री परिषद तक पहुंचाने का कार्य भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है, एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है, किसी मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। आप सब जानते हो बच्चों, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री। निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करना है तो भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना है तो भी प्रधानमंत्री देता है। मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा संवैधानिक रूप से जितनी नियुक्ति संबंधी कार्य किए जाते हैं उन सब में अहम रोल होता है बच्चों प्रधानमंत्री का। मतलब यह है कि राष्ट्रपति केवल नियुक्ति संबंधी कार्य करता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो भूमिका निभाता है बच्चों वो निभाता है प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व। इसका उदाहरण तो हमारे मोदी साहब जी ने बता ही दिया है
पिछली सरकार और इस सरकार में सबसे ज्यादा अब तक के विदेशी दौरे करने वाले हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने पिछली सरकार में भी लगभग 100 से ज्यादा जो है उन्होंने स्कोर किया था, यात्राएं करी और इन यात्राओं के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में सिद्ध करके बताया कि भारत की कितनी महिमा है, भारत के तेज को, भारत की विशालता को और भारत की प्रोग्रेस को पूरे विश्व के सामने दर्शाया मनमोहन सिंह जी ने। तो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश में खड़ा होता है तो वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं विश्व राष्ट्रों के साथ उनमें प्रतिनिधित्व कौन करता है? ज़्यादातर प्रधानमंत्री ही करता है। जैसे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, UNO की मीटिंग्स हुई, इसके अलावा किसी विदेशों से कूटनीतिक संधि या समझौते करने हैं वो भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बाकी संविधान किसको पावर दे रखा है? राष्ट्रपति जी को दे रखा है, लेकिन विदेशों में जितने भी संधि और समझौते करने हैं वो भी राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के हाथों में ही होता है। और हमारे देश की कार्यपालिका को वास्तविक रूप से क्रियान्वित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री जी करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष सरकार का नेता कहा जाता है और हमारे देश का प्रतिनिधित्व भी प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। इसीलिए इसके अलावा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो 2015 में एक आयोग बना था बच्चों, नीति आयोग, नाम भी सुना होगा आपने, नीति आयोग, जिसका गठन योजना आयोग के स्थान पर, पहले आपके क्या था? योजना आयोग था, अब योजना आयोग के स्थान पर आ गया है बच्चों नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा हमारे देश में जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं उनका अध्यक्ष भी कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री का। जैसे आपने देखा अभी चंद्रयान गया था, चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया, तो उसमें भी अहम भूमिका किसकी होती है बच्चों? प्रधानमंत्री की। तो आप समझ ही गए होंगे, लोकसभा का नेता, शासन का नेता, सरकार का नेता, सब में अहम रोल अदा करता है कौन? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री का हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने में अहम रोल होता है। तो आज आपने प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपको करना क्या है? नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स को क्लियर करवा सकूं, समझा सकूं और आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दे सकूं बच्चों। धन्यवाद।